महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तैयारी में राजनीतिक पार्टियां जुट गई हैं। महायुति हो या महाविकास अघाड़ी, महाराष्ट्र चुनाव के लिए कमर कस ली है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीएम एकनाथ शिंदे की भूमिका क्या होने वाली है, क्योंकि जब शिंदे ने शिवसेना को तोड़ा और बीजेपी के साथ आकर सरकार बनाई तो उस वक्त बीजेपी के पास शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बने 2 साल बीत चुके हैं, इसके साथ सूबे के सियासी हालात भी काफी बदल चुके हैं। इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन जीतेगा, इसका फैसला तो महाराष्ट्र की जनता के हाथों में है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों से यह समझा जा सकता है कि बीजेपी और एनडीए की तुलना में इंडी गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसके बाद महाराष्ट्र में विपक्ष की ताकत बढ़ी और बीजेपी टेंशन में है। बीते 2 साल में महाराष्ट्र की सियासत में कई ऐसे उलटफेर देखे गए जिससे इस बार होने वाले विधानसभा चुनाव का सारा समीकरण ही बदल चुका है। आपको बता दें कि जब एकनाथ शिंदे ने शिवसेना में दो फाड़ किए तो उद्धव ठाकरे सरकार को बड़ा झटका लगा। शिंदे ने उद्धव की सरकार तो गिराई ही, साथ ही उस वक्त ज्यादातर विधायक और सांसद को अपने पाले में शामिल कर लिया था। उस वक्त सरकार गिराने के बाद शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर नई सरकार बनाई और खुद सीएम बन गए। उनको सीएम बने हुए अब 2 साल बीत चुके हैं। शिंदे के बाद मौका देखते हुए शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भी दो फाड़ हो गए। शरद के भतीजे अजित पवार ने बिल्कुल शिंदे वाले अंदाज में चाचा को चित कर दिया और बीजेपी के साथ सरकार में शामिल हो गए और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठ गए। उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल जैसे नेताओं को अपने खेमे में शामिल कर लिया। इन दो घटनाओं के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार बनाई, सरकार चलाई, चुनाव लड़ा और सहयोगी रखे। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि शिवसेना में इतनी बड़ी टूट हुई कि वो दो हिस्से में बट गई। एक की कमान शिंदे के हाथ में है और दूसरी की कमान उद्धव ठाकरे संभाल रहे हैं। असली शिवसेना और नकली शिवसेना की लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। कुछ ऐसी ही लड़ाई शरद पवार और अजित पवार के बीच में भी है। दोनों के बीच असली और नकली एनसीपी को लेकर असल विवाद बना हुआ है। लेकिन इन दोनों पार्टियों में टूट के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है जो सभी के लिए ही अग्नि परीक्षा जैसा होगा। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में अपने 2 साल पूरे कर लिए हैं। वहीं राज्य सरकार को सितंबर अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन शिंदे और उनके सहयोगी लोकसभा की हार को दोहराने से इनकार कर रहे हैं। वहीं विपक्ष सत्तारूढ़ सहयोगियों के बीच बढ़ती बेचैनी का फायदा उठाते हुए महायुति को घेरने की तैयारी कर रहा है। लोकसभा चुनावों में महायुति के सहयोगियों को बड़ा झटका लगा है। लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन से विचलित हुए बिना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के परिवर्तन और समाज के सभी वर्गों की बेहतरी के लिए राज्य सरकार की पहलों को प्रभावी ढंग से पेश करके चुनौतियों को अवसर में बदलने के लिए आश्वस्त हैं। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा है कि लोकसभा में हार विपक्ष की ओर से फैलाए गए झूठे बयानों के कारण हुई है, लेकिन महाराष्ट्र के लोग विधानसभा चुनाव के दौरान इस पर विश्वास नहीं करेंगे। वो महायुति को काम के आधार पर एक और मौका देंगे। किसी भी सरकार के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए 2 साल पर्याप्त नहीं होते हैं, लेकिन तमाम फैसलों के आधार पर यह साफ है कि इस सरकार ने न केवल बुनियादी ढांचे के विकास को तेज किया है, बल्कि लोगों को यह विश्वास दिलाने में भी सफल रही है कि यह कमजोर वर्गों, महिलाओं, युवाओं, किसानों और मजदूरों की सरकार है। सीएम शिंदे भले ही महायुति की जीत का दावा कर रहे हों, लेकिन लोकसभा चुनाव के जो नतीजे सामने आए हैं उसको देखकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस बार चुनाव में क्या होने वाला है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।